और जा रहा है उस तरफ। इनका मजा लीजिए, अभी तो बोटिंग ही दिख रहा है, बोटिंग कर रहा है। और उधर का नज़ारा देखिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए भाई लोग दोस्तों, तो ये है एंट्री गेट और यहाँ है पार्किंग। पार्किंग का कोई शुल्क नहीं है, अभी तक तो नहीं लिए हैं। बूढ़ा तालाब का और दिखाते हैं हम पूरा नज़ारा, उधर जा के दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो देखिए आज अपन आए हुए हैं बूढ़ा तालाब, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और हम आज पूरा वीडियो दिखाएंगे आप लोग को। तो वीडियो बना रहे, उधर सूर्य इसलिए अच्छे से आ नहीं रहा है, लेकिन हम बैक कैमरा से दिखाएंगे आज नज़ारा। दोस्तों तो बूढ़ा तालाब का आज नज़ारा दिखा देते हैं आप लोग को, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। ये देखिए भाई, रात में ये चालू होता है एक्टिविटी, लाइट लगा हुआ है वहाँ तक, और इधर बोटिंग भी कर सकते हैं आप लोग। और वहाँ पास है देखिए स्वामी विवेकानंद का बड़ा सा मूर्ति रखा हुआ है, और देख भाई बोटिंग कर रहा है यहाँ पास ज़बरदस्त। दोस्तों तो बोटिंग का मज़ा लीजिए, अभी तो बोटिंग ही दिख रहा है, बोटिंग कर रहा है। और उधर का नज़ारा देखिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए भाई लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पास ज़बरदस्त। एक भाई वहाँ पास है, एक आगे चला गया है। अरे ये तो लड़की है, देखिए लड़की भी बोटिंग कर रही है भाई। और उधर उस तरफ है श्याम टाकीज, और उधर है इंडोर स्टेडियम, ऊपर से दिख रहा है वो, और पानी भरा हुआ है, लबालब काफ़ी खूबसूरत से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पेड़ भी काफ़ी खूबसूरत बना दिया है, लाइट लगा हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ है, नाइट में हो सकता है शायद चालू। और उधर भी चल के देखते हैं अपन आगे, इधर चलते हैं। बरगद का पेड़ देखिए, यहाँ पास बरगद का पेड़ भी है काफ़ी खूबसूरत देखिए। और दिखाते हैं देखिए, इधर भी भाई लोग बोटिंग कर रहे हैं यार, काफ़ी खूबसूरत तबाही, मज़ा आ जा रहा होगा। आप लोग भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटी है। ये देखिए करीब से दिखाते हैं, और उधर चल के दिखाते हैं उधर क्या है। तो अभी तो चालू नहीं हुआ है यार कुछ लाइट, और खूबसूरत माहौल रहता होगा, दिखाएंगे बाद में। इधर और जाते हैं यार आगे, देखते हैं आगे क्या है। देखिए अपन आए थे उस तरफ से, और अभी आ गए इस तरफ, लाइट जल रहा है भाई, हल्का हल्का लाइट जलेगा, फिर और दिखाएंगे। यहाँ पास काफ़ी सारी एक्टिविटी है लगता है, देखते हैं जाकर। देखिए यहाँ पास लिखा है सुंदर सा विवेकानंद बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर करके, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है भाई, यहाँ बस पत्थर में लिखा है जैसे लग रहा है। दोस्तों तो देखिए यहाँ पास है बोटिंग एक्टिविटी काफ़ी सारी, बहुत सारी, आप टिकट लेकर कर सकते हैं, पीछे टिकट काउंटर है। तो देखिए उधर का लाइट जल गया हल्का हल्का, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, लाइट जल गया तो देख सकते हैं। देखिए आप भी मज़ा ले सकते हैं वहाँ की एक्टिविटी, एक चालू हो गया, देख उन लोग गए चला गया, वाह कितने बोट में।
देखिए दोस्तों, आप यहाँ के आके बोट का मज़ा ले सकते हैं। देखिए आ रहा है बोटिंग, नाइट हो गया तो कैमरा उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन अपन दिखाएंगे आप लोग को। देखिए आ रहा है, वाह देखो और जा रहा है उस तरफ। आप भी आके एंजॉय कर सकते हैं यहाँ आके, काफ़ी खूबसूरत सा। और अभी तो लाइट जलना चालू हो गया है भाई, देखिए सभी तरफ लाइट चालू हो चुका है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। लाइट चालू हो गया था, तो देखिए यहाँ पास लाइट चालू होने के बाद काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ पे लिखा है बुढ़ा तालाब स्वामी किलन सरोवर करके, देखिए वाह वाह। देखिए दोस्तों सब तरफ लाइट जल चुका है, अभी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। लाइट जल चुका है सभी तरफ का। देखिए भाई यहाँ का क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, बुढ़ा तालाब विवेकानंद सरोवर का देख सकते हैं नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। पेड़ों को भी लाइटिंग किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग सभी पेड़ को लाइटिंग किया हुआ है यहाँ पास, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यार, बेहतरीन नज़ारा है। आप लोग आ सकते हैं फैमिली के साथ। देखिए दोस्तों तबाही नज़ारा है यार यहाँ का, एक बार देखने के बनता है तबाही। देखिए बोटिंग अभी भी चल रहा है यहाँ पास, आप लोग भी बोटिंग करके, शाम का माहौल ही तगड़ा है भाई, क्या खूबसूरत लगा रहा है, चारों तरफ लाइट ही लाइट। ये वाला एक्टिविटी चालू नहीं हुआ है, नहीं तो ये भी दिखाता मैं आप लोग को। देखिए लाइट जलने के बाद भाई और बेहतरीन लग रहा है यार, क्या जबरदस्त नज़ारा है यार, वाह। मैं तो यहाँ पहले बार आया हूँ, और आप लोग बताइए कितने बार आ चुके हैं, और नहीं आए हैं तो आ सकते हैं भाई, नज़ारा बेहतरीन है। लगा दिया भाई, काफ़ी खूबसूरत से भी लग रहा है, देख सकते हैं आके आप लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब चीज़ कर सकते हैं। नज़ारा दवाई ये चालू नहीं हुआ है यार, नहीं तो इसको भी दिखाता मैं। लाइट पता नहीं चालू होगा कि नहीं होगा। और उधर देखिए विवेकानंद का जो मूर्ति रखा है वो भी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, मैं आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए वहाँ जाने नहीं देता, नहीं तो वहाँ जाके भी मैं आप लोग को दिखाता। इधर चलते हैं दोस्तों, इधर है बच्चों के लिए खेलने के लिए एक्टिविटी, छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सारी सुविधा है, दिखाते हैं जाकर।
इधर देखिए बच्चों के लिए काफ़ी सारे एक्टिविटी है, झूलना और सब चीज़ एक्टिविटी जो खेलने के लिए बच्चों के लिए यहाँ पास है। यहाँ पे लिखा है फॉर चिल्ड्रेन बिलो 10 ईयर्स, 10 साल तक के बच्चे यहाँ तक खेल सकते हैं, ऐसा करके लिखा है। देखिए काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए बस। यहाँ पास है चेस, आप ये भी खेल सकते हैं, अगर फैमिली के साथ हैं तो आके एक दो खेल सकते हैं। पूरा गिर गया है भाई, कोई उठाने वाला नहीं है इसको। और इधर का नज़ारा देखिए भाई, बेहतरीन नज़ारा है यार, बेहतरीन सा। देखिए नज़ारा यहाँ का पूरा, जैसा जैसा रात हो रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भाई। रात में भी आ सकते हैं आप लोग देखने के लिए, और इधर ये सारी भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं सुबह आकर, जिम वगैरह यहाँ पास अभी भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी एक्टिविटी है भाई यहाँ पास। दोस्तों तो यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है ना, मुझे जाने का मन ही नहीं लग रहा है, क्या बताऊँ, क्या नज़ारा है, देखते रहूँ जैसा लग रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दे भाई।